प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को 21 दिनों तक लॉकडाउन के बाद अब पुलिस धीरे धीरे सख्त हो रही है। शनिवार शाम को प्रशासन व पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से शहर भर में नजर रखी। वहीं पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने बाइक पर शहर भर में फ्लैग मार्च किया। इसी तरह समदड़ी कस्बे में भी हाईवे पर नाके लगाने के साथ बेवजह बाजार में घूमने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर पुलिस ने आसमान से निगरानी शुरू कर दी है। शहर के संवेदनशील और घनी आबादी वाले मोहल्लों में शनिवार को भारी पुलिस के साथ अफसर ड्रोन की मदद से इलाके पर नजर गड़ाई रही। कई स्थानों पर लोग सामाजिक दूरी को दरकिनार कर झुंड में नजर आए। ड्रोन के लिए कई वीडियो फुटेज से प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन बार बार अपील के बाद भी शहर के अंदरूनी इलाकों में समेत कुछ मोहल्लों में लोग लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। घनी गलियों में लोग हुजूम में नजर आते हैं। पुलिस के दौड़ाने पर लोग घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में लोगों को रोक पाने में प्रशासन असहज नजर आ रहा है, जिसके लिए इसे ड्रोन का सहारा लेना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन के जरिए गलियों, लोगों की छतों पर निगाह रखी जा रही है। शनिवार शाम लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों द्वारा मोटरसाइकिलों पर बाड़मेर शहर का भ्रमण किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने अहिंसा चौराहे से अपने भ्रमण की शुरू करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से लोगों को लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की अपील करते नजर आए। एक साथ कई मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मियों को देखते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। शहर पुलिस के सायरनों की आगोश में नजर आया। ड्रोन इसलिए उड़वा रहे हैं कि कई बार देखा जाता है कि जब पुलिस की गाड़ी आती है तब लोग देख करके घरों में घुस जाते हैं और बाकी घरों में घूमते रहते हैं, और किस तरह की आवाजाही हो रही है ये सारी देखने के लिए, लॉकडाउन कितनी पालना हो रही है उसके लिए आज ड्रोन उड़ाया गया है और इसे पहचान करके और कार्रवाई की जाएगी। दुकानों की क्या स्थिति है ये भी देखा जाएगा और किसी को कोई असुविधा नहीं हो वो भी इसमें। लॉकडाउन आपको कोई पनिशमेंट स्वरूप नहीं है, आपके जीवन को बचाने के लिए लॉकडाउन सरकार ने लागू किया और इसमें सभी सहयोग प्रदान। लॉकडाउन की पालना के लिए हमारी मोबाइल पार्टीज भी है, सिग्मा भी है, उसके अलावा जो हमारा गश्ती दल है उनको भी हम कभी क्रॉसिंग में कभी सिंगल ऐसे हम लोग और हमारी गाड़ी में जाती है। उसके बाद भी कई बार गलियां हैं तो गलियों में क्या है कि उनके रिश्तेदारी परिवार लोगों हम जाते हैं जब तो अंदर हो जाते हैं, तो अब उनको यही है कि ड्रोन हम अलग अलग एंगल से इनको ड्रोन को उड़ा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अनावश्यक रूप से कोई बाहर आ रहा है और अनावश्यक से घूम रहा है तो उसकी फुटेज और वो भी मिल जाएगी हमें, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कोरोना वायरस बाड़मेर में पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र के सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है और आवाजाही पर पूर्णतया से प्रतिबंध लग दिया है। समदड़ी में कोरोना वायरस के चलते पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। कस्बे के चारों तरफ से सीमाएं सील है। वहीं प्रत्येक गांव की सीमाओं पर प्रशासन की पूरी नज़र चौकसी नजर आ रही है। प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्तियों की जाँच की जा रही है। वहीं कई वाहनों के अब तक जब्त भी किए गए हैं। देखिए, कोरोना महामारी को लेके जो जिले में एक बाड़मेर जिले में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उससे प्रशासन ने सख्त एक रवैया अपना के जो पड़ोसी जिले हैं उनसे आने जाने वाले रास्ते और नाके उनमें हमने एक नाके लगवा के और उसमें जिला प्रशासन का भी है पुलिस प्रशासन का भी है वो सीमा सील करने की व्यवस्था को देखने में आया था। उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि बाहरी आएगा वो बिना मेडिकल चेकअप के यहाँ नहीं आए, उसकी प्रॉपर एंट्री हो, और जो बाहरी दूसरे जिले जो कोरोना से प्रभावित है उनका कोई भी बंदा अपने इस जिले में एंट्री नहीं करे वो व्यवस्था देखने के लिए मैं आया था। कोरोना वायरस के बाद से ही करीब 103 चालान काटे गए, 21 वाहनों को सीज किया गया। वहीं 151 धारा में पुलिस थाना समदड़ी में करीब 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वायरस को लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता है।